आज हम इकट्ठे हुए हैं खेती विरासत मिशन की ओर से आहार से आरोग्य तक के कार्यक्रम के आयोजन हो रहा है। अगले साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा, उसका काउंटडाउन आज हमने शुरू किया है। तो डॉक्टर खादर वली जी मिलेट मैन ऑफ इंडिया मेरे साथ हैं, तो उनसे ही पूछते हैं कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर में क्या क्या होने वाला है। पहला कदम हो रहा है मिलेट इंटरनेशनल मिलेट ईयर में। सब जगह आई बिलीव 79 नेशंस हैव अग्रीड टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस अबाउट मिलेट्स। उसके बाद रियल स्टोरी बिगिंस, कैसे हम ए मिलेट फूड को हमारा रसोई घर में ला सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट ईयर विच इज़ वेरी हैप्पी एंड गुड थिंग दैट इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। द अवेयरनेस इज बींग टॉक्ड अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मनाया जा रहा है। सो ये तो बहुत अच्छा पहला कदम हमारे लिए। हम तो 30 साल से ये काम पे लगे हुए हैं। सो आई बिलीव इट्स अ गुड थिंग दैट 2023 इज डिक्लेयर्ड एज मिलेट ईयर ऑफ इंटरनेशनल प्रोमिनेंस। बट आई होप दिस कॉरपोरेट पीपल डू नॉट हिजैक अवर मिलेट्स। सो हम किसानों को अभी अभी वार्निंग दे रहे हैं कि हमारा देसी आहार ही रखना है हम। सो हमारा बीज को वैसा ही बचा के रखना है, एक कॉरपोरेट जाल में हम नहीं फंसाना है। हमारे ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, वी डोंट गेट कम्प्लीटली सक्ड इन बाय द कॉरपोरेट वर्ल्ड। सो ये वार्निंग से हम सब किसानों को मिलेट का फूड उगाए, मिलेट का फूड खाए और स्वस्थ रहे। सर एक बात है, आप अभी मुझे बता रहे थे कि टर्मिनली इल जो लोग जिनको अस्पतालों से जवाब मिल जाता है उनके लिए भी मिलेट्स वरदान है और उनको जीवन वापस देता है। कई लोग तो समझते हैं मिलेट्स एक फैशन हो गया है कि गेहूं और डाइटिशियन जितने भी आजकल हैं प्रोनाउंस वो यही करते हैं, जाते ही चावल और गेहूं दोनों बंद करवा देते हैं लेकिन उसके फायदे नहीं बताते। तो आप बताइए चावल और गेहूं क्यों बंद करना चाहिए और टर्मिनली इल पेशेंट्स में जो लोग मौत के किनारे पे बैठे हैं उनको मिलेट्स कैसे फायदा करते हैं? गेहूं और चावल और गन्नी ऐसी प्रॉब्लम है कि ग्लूकोज इम्बैलेंस करता है हमारा खून में और सब बीमारियों का फाउंडेशन बन जाता है। सो कुछ दवा भी देते हैं आप तो उसको काम करने को नहीं छोड़ते हैं, ये गेहूं, चीनी और चावल, क्योंकि हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस वैसा ही रह जाता है। सो गेहूं, चावल, चीनी छोड़ने का मतलब ये है कि आप फाउंडेशन को सुधार सके। वो फाउंडेशन को वैसा ही सुधार के रखने के लिए मिलेट्स बहुत अंदाज से, बहुत देरी से काम करता है। सो क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल है, रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, वो है हमारा रेश फाइबर, इंटरनली इंट्रोलोकुलेटेड फाइबर यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। व्हेन यू कैन सेट योर ग्लूकोज इम्बैलेंस राइट, सब के सारा स्वास्थ्य वापस आने लगता है। इसीलिए मौत के किनारे पे बैठने हुए बीमारियों को भी हम वापस लाने का एक बहुत सुंदर रास्ता ए मिलेट से पॉसिबल है। वो क्या करें टर्मिनली जो इल हैं वो मिलेट्स का इस्तेमाल कैसे करें? पहले अम्बली रूप में, दैट इज फर्मेंटेड पॉरिज। फर्मेंटेड पॉरिज माने खमीर बोलते हैं हिंदी में, खमीर पतला सा बना के पेशेंट्स को पिला सकते हैं। एक 3-4 दिन के बाद उसका स्वास्थ्य वापस आने को आपको इशारा मिल जाता है। उसके बाद आप कुछ भी डिशेस बना के खिला सकते हैं, लेकिन ये खमीर वैसा ही 6 महीने हर रोज़ एक बार पीते ही रहे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपका शरीर से हम भगा सकते हैं। और क्या आपका मैसेज है लोगों को कि गेहूं, चावल, चीनी और दूध जैसा आप कहते हैं ये चारों छोड़ के मिलेट्स का इस्तेमाल कैसे धीरे धीरे शुरू करें और कितने दिनों में उनको फायदा, क्योंकि लोग बड़े इम्पेशेंट हैं तो मिलेट्स कितने दिनों में असर करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो वो लोग वरना छोड़ देते हैं 2-4 दिन में, तो आप क्या कहते हैं कम से कम कितने दिन इंतजार करें? 6 हफ्ते का इंतजार करना ही होगा, क्योंकि हमारा बीमारियों का
ये गहराई बहुत बढ़ गई है, स्पेशली कैंसर, डायबिटीज, ये सब बीमारियां बहुत गंभीर बीमारियां हैं। सो 6 हफ्ते सो मिनिमम लगेगा, कनिष्ठ रूप में 6 हफ्ते से 6 महीने लगेगा। संपूर्ण आरोग्य के लिए आपको 1 साल भी लग सकता है, कुछ लोगों को 2 साल भी लग सकता है, लेकिन 6 महीने में आपको बहुत सारा इंडिकेशंस मिल जाता है। कुछ लोग बहुत ऐसे मिले हैं, कहते हमें मिलेट सूट नहीं करते जी, हमने खाए थे, हमारा पेट खराब हो गया, हमारी तबीयत खराब हो गई, हम नहीं खाएंगे। ऐसा तो उसको ये मिलेट्स को पकाने का तरीका मालूम नहीं है, क्योंकि ये सब लोग गेहूं चावल को 1 मिनट में पकाने का तरीका में लगे हुए है। लेकिन मिलेट्स को हम खूब भिगोना है, 7 से 8 घंटे भिगो के बाद हम पकाना है। सो वो तरीका सब लोगों को मालूम होना है। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि सिर्फ मिलेट्स को कैसे खाना है ये समझ लें, और क्या और कोई रास्ता लगता है इस दुनिया को बचाने का इस वक्त जो लोग सेहतमंद रहें, क्या मिलेट्स के अलावा भी कोई रास्ता दिखता है? देर इज नो अदर वे अदर देन मिलेट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू लिव ए हैप्पी एंड सस्टेनेबल लिविंग। सो हम तो बहुत कन्विंस हो गए हैं, पिछला 30 साल से हम काम कर रहे हैं। देर इज नो वे ह्यूमन रेस कैन फाइंड अनदर सोल्यूशन टू बी हेल्थी। क्या लग रहा है सर, 2023 में 79 कंट्रीज इसको मना रही हैं, तो कितना वर्ल्ड पे फर्क पड़ेगा? वो देखना है। हमको खुशी बात यही है कि सब लोगों ने मिलेट्स के बारे में बात करने को तो लगता है, बिकॉज एवरी कंट्री ऑर्डर्स टू हैव अवेयरनेस मीटिंग्स एंड प्रोग्राम्स, वो तो बहुत अच्छा है। से अवेयरनेस से सबका पहला कदम उठाना है, सो इट्स अ गुड थिंग दैट इट इज़ हैपनिंग। एंड हाउ वेल वी टेक इट एंड गो फर्दर डिपेंड्स ऑन द पीपल, सो ओनली गवर्नमेंट्स कैन डिक्लेयर। तो काम तो हम करना है, इट्स गवर्नमेंट्स जॉब्स टू डिक्लेयर थिंग्स, बट सही काम नियत से करने का जवाबदारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारा कंधों पे है। ठीक, तो मुझे ये समझ आई है बात जो डॉक्टर खादर ने कहा है, मैं उसको समअप कर देता हूँ हिंदी में ताकि सब लोग समझ जाएं कि देखिए सरकारों और इनके या मेरे कहने से, लेकिन आपका साथ जरूरी है। जब तक आप खुद मिलेट्स का इस्तेमाल शुरू नहीं करेंगे, और जैसे डॉक्टर खादर ने कहा कि दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, ये हम भाइयों की सारे इंतज़ाम से ही हो रहा है। ये डॉक्टर उमेंद्र जी मेरे खेती विरासत मिशन इन्हीं का दिया जन्मजात है, और अगर ये हम लोगों के कहने से नहीं आपके सहयोग से ये होने वाला है। जब तक आप मिलेट्स नहीं अपनाएंगे तो हम सबका किया किराया बेकार होगा। धन्यवाद।